उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा महाराणा प्रताप की वीरता और दृढ़ता के किस्से भारतवर्ष में हर कोई जानता है। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता को ठुकरा दिया था। मुगलों के शासन से आज़ादी पाने के लिए उन्होंने जीवन के अंत तक संघर्ष की लड़ाई की। महाराणा प्रताप मुगलों को कई बार हरा चुके थे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान में हुआ। इनके पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह तथा माता का नाम रानी जयवंताबाई था। वह बचपन से ही कर्तव्यवान और प्रतिभाशाली थे। महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता। भील अपने पुत्र को कीका कहकर पुकारते हैं, इसलिए भील महाराणा को कीका नाम से पुकारते थे। महाराणा प्रताप जी भीलों के साथ ही युद्ध कला सीखते थे। लेखक विजय नाहर की पुस्तक हिंदुआ सूर्य के अनुसार जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ उस समय उनके पिताजी उदय सिंह युद्ध और असुरक्षा से घिरे हुए थे। हिंदुआ सूर्य के अनुसार उस समय कुंभलगढ़ सुरक्षित नहीं था। वह समय जोधपुर का राजा मालदेव था, जो उस समय पूरे भारतवर्ष में सबसे शक्तिशाली और संपन्न राजा था। राणा उदय सिंह की दूसरी रानी धीरबाई, जो रानी भटियाणी के नाम से जानी जाती है, वह अपने पुत्र कुंवर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। महाराणा प्रताप जब मेवाड़ के उत्तराधिकारी बन गए, उस समय कुंवर जगमाल ने इनके विरोध में मुगलों से मित्रता कर ली। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक में 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हुआ था, लेकिन विधि विधान स्वरूप राणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक 1572 ईसा पूर्व में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। कई पड़ोसी राज्यों ने अकबर के साथ मित्रता कर ली थी। महाराणा प्रताप का राज्य मेवाड़ उस समय भी स्वतंत्र था। मुगल सम्राट मेवाड़ राज्य अपने अधीन करना चाहते थे, लेकिन राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। प्रताप की सेना मुकाबले में अकबर की सेना के पास अपार बल था, फिर भी महाराणा प्रताप ने मुकाबला करने का निर्णय नहीं बदला। उन्हें किसी भी हालत में स्वतंत्रता चाहिए थी। हल्दी घाटी का यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। प्रताप की मदद के लिए आसपास की पहाड़ियों से भील आदिवासी भी आए थे। लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ों दर्रा था। महाराणा प्रताप की ओर से लगभग 3000 घुड़सवार और 400 भील धनुधारी मैदान में उतरे। मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया था, लेकिन दुर्भाग्य से युद्ध में अंत में मुगल सेना की विजय हुई। मुगल सेना के प्रकोप से बचने के लिए झला सिंह ने महाराणा प्रताप की युद्ध से भाग निकलने में मदद की थी। 1569 से 1585 के कार्यकाल में महाराणा प्रताप एक के बाद एक गढ़ जीतते जा रहे थे। इसके कारण मुगलों का दबाव मेवाड़ में कम होता जा रहा था। इस समय का लाभ उठाने के लिए महाराणा प्रताप ने अपने प्रयत्नों को और तेज कर दिया। 12 वर्ष के संघर्ष के बाद अकबर उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सका। अकबर साम्राज्य का अंत 1585 ईस्वी में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप कुल 360 किलो वजन ढोते थे, जिसमें 80 किलो का भाला, 208 किलो वजन की दो तलवारें और उनका कवच लगभग 72 किलो भारी था। अकबर साम्राज्य के अंत के 11 वर्ष के बाद ही 19 जनवरी 1597 में अपनी नई राजधानी चांवड़ में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर को बहुत दुख हुआ, क्योंकि हृदय से वो महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था। महाराणा प्रताप का नाम भारत के इतिहास में सदा अमर रहेगा। अगर आप सभी को महाराणा प्रताप की यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।